फजर के बाद सोना कैसा है? ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है, क्योंकि बाज लोगों की रूटीन ऐसी होती है कि वो बेचारे रात को नहीं सो सकते, उनके काम नाइट ड्यूटी है किसी की, या किसी को स्टडी के लिए फुर्सत ही उस टाइम पे मिल रही है, या और कोई ऐसा मसला है किसी के साथ, तो इसका कोई फर्ज वाजिब से ताल्लुक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी की रात को नींद पूरी नहीं हो सकती तो फजर के बाद भी वो सो सकता है। तो नींद तो रोटी से ज्यादा जरूरी चीज है, तो इसलिए नींद पूरी करने के लिए अगर किसी को मजबूरन फजर के बाद सोना पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन नॉर्मली इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है, तो हलाल और हराम से इसका ताल्लुक नहीं है। बेहतर और मुस्तहब बहरहाल ये नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब भी है कि सुबह के वक्त में अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए बरकत रखी है, तो अपने कामों का फजर के फौरन बाद से आगाज कर देना चाहिए, और वो वक्त वैसे भी जिक्र तस्बीहात का वक्त है, ये एक्सरसाइज करें आप उसमें।